ऐतिहासिक किला मैदान में है और यहाँ पे आज कृषि विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें खास करके औजार को लेकर के, कृषि यांत्रिकी को लेकर के, कई तरह के प्लांट और कई तरह के बीज, कृषि को बेहतर बनाने के लिए जो जो उपकरण है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, कई प्लांट दिखाई दे रहे हैं और ये वो पौधे हैं जिससे हम अपने घरों को सजाते हैं, इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। क्योंकि कहा जाता है प्रकृति के बिना इंसान अधूरा है, क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो इंसान का जिंदा रहना काफ़ी ही मुश्किल है। यह प्रदर्शनी मदन वाटिका के द्वारा आयोजित की गई है। इसके आयोजक हैं अमित सैनी और फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे बागवानी को लेकर के कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, कैसे इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे प्राकृतिक रूप से मनुष्य के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। अमित जी आपका स्वागत है, ये प्रदर्शनी आपने ही लगाई है। बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे वैरायटी के यहाँ प्लांट हैं और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि आप बहुत दिनों से इस पेशे में हैं, आप प्लांट जो है उपजाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इन पौधों के साथ काम करके सुकून मिलता है। जी, जी। इसके पीछे एक इकोनॉमी का पर्पस तो होता ही है। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी, मेरा बचपन से ही, जब हम 5 साल के थे तब से जो है कि नहीं इस बागवानी से मेरा जुड़ाव है, और इससे पहले मेरे पापा करते थे और बहुत हृदय से काम करते हैं हम लोग। मेरे साथ लगभग मेरे नर्सरी में 40 स्टाफ भी हैं, बाहर के मिस्त्री लोग भी हैं पूना और कलकत्ता के, जो प्लांट बनाने का भी काम करते हैं। हम लोग अपने यहाँ पेड़ भी तैयार होता है और बाहर डिलीवरी भी होता है और ज़िले में भी डिलीवरी होता है। हम कह सकते हैं कि आप अपने साथ साथ 40 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। कुछ किसान जो होते हैं वो खेती को धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, आप तो काफ़ी मुनाफा कमाते होंगे। जी जी, मिला जुला के हो जाता है, बढ़िया हो जाता है और काफ़ी लोग को रोज़गार भी दे रहे हैं। जी 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 जी, और मेहनत किया जाए तो बहुत कुछ है इसमें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि खेती किसानी को ऐसे जोड़ के देखा जाता है जैसे लगता है कि काफ़ी जो है कि ट्रेडिशनल चीज़ है और लोग उसको छोड़ करके युवा जो है दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग IIT करके, MBA करके वो खेती से जुड़ना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक जो बड़ी पर्पस वो ये है कि खेती जो है मॉडर्न हो रही है तो काफ़ी उससे लाभ भी है। और हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में अमित सैनी है जो बता रहे हैं कि ये ना केवल अपना पेट पालते हैं बल्कि अपने साथ 40 परिवार को जिंदा रखते हैं, क्योंकि 40 लोगों को काम दे रखा है इन्होंने। आइए इनसे कुछ और बातचीत करते हैं। आपके पास लगभग कितने प्लांट होंगे और कहाँ कहाँ से प्लांट आते हैं? मेरे यहाँ प्लांट पूना से, कलकत्ता से, लखनऊ से, बहुत दूर दूर से प्लांट आते हैं। और मेरे यहाँ वैरायटी आपको बताएं तो जीरो से हीरो तक सारा वैरायटी मिलेगा। फ्लावर हो, फल और मैंने जंगली पेड़ हो, कोई भी पौधा आप खोजिए, अगर संजोग बस कोई वैरायटी मेरे यहाँ उपलब्ध अगर नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में है उसको हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अवेलेबल करा लेते हैं, क्योंकि हर जगह से मेरा मार्केटिंग है, हर जगह से आदान प्रदान है प्लांट का। नेचर प्रेमी लोग होते हैं वो यूट्यूब से ढूंढते हैं, गूगल से ढूंढते हैं, उन्हें कुछ अच्छा चीज़ दिख जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग बक्सर में उसको मंगा पाए? बिल्कुल, एकदम 100%। हम चूँकि ये जो आप काम कर रहे हैं सच में सुकून देने वाला काम है, न केवल पैसे के हिसाब से बल्कि प्राकृतिक रूप से, और बिकॉज आई लव दिस थिंग, मुझे खुद पसंद है, मैं कई बार लाता हूँ आपके यहाँ से। मैं चाहूँगा कि जो लोग आसपास है इस चीज़ को और प्रमोट करें, इसके लिए लोग जानना चाहेंगे कि आपका स्थाई जो दुकान है या फिर आप जहाँ से ये काम करते हैं उसका एड्रेस एक बार बता दें। मेरा नर्सरी मदन वाटिका चुरामनपुर एकदम मेन रोड पे है, सब्जी मार्केट के सामने, कोल्ड स्टोरेज है उसके सामने, लगभग 10-12 एकड़ में मेरा नर्सरी है। वैसे 3 ब्रांच है मेरा चुरामनपुर में, लेकिन वो मेन ब्रांच है जो बता रहे हैं आपको, कोल्ड स्टोरेज के सामने चुरामनपुर, जहां हम बैठते हैं। जैसे लोग जो है आज के डेट में इतना लाइफ रेस हो चुका है कि लोग परेशान हैं, आपाधापी है, उसमें जब हम बगीचे में बैठते हैं या फिर ऐसे जगह बैठते हैं जहाँ हरियाली हो तो सुकून मिलता है, तो हम खास करके वैसे आप चूँकि प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो नेचर से क्यों जुड़े, क्या इससे लाभ है? बहुत लाभ है पौधे लगाने से, एक तो ऑक्सीजन भरपूर मिलते हैं और ऊपर से फल भी मिलता है और जीवन का सुकून भी मिलता है। सुबह उठ करके जब हम लोग जैसे ही बागवानी में एंट्री करते हैं अपने दरवाजे पे या कहीं भी, तो एक अलग टाइप की एनर्जी मिलती है प्राकृतिक का, जो हम लोगों के लिए काफ़ी जीवन में ज़रूरी है। तो ये अमित सैनी जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल रूप से इनसे जुड़ा रहा हूँ, इनके यहाँ से मैं लगातार पौधे लाता रहता हूँ, तो सच में जो सुकून हम लोग फील करते हैं एक पौधे लगा के, ऐसा लगता है कि हम किसी को जीवन दे रहे हैं और वो पौधा, वो पेड़ कई लोगों को जीवन देता है। तो अमित ऐसे हज़ारों पौधों को हर डे उसको सींचते हैं, और इसके अलावा न केवल नेचुरल रूप से बल्कि एक आत्मनिर्भर का स्लोगन चलता है देश में कि हर आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो बेरोजगारी ज़रूर होगी लेकिन ये लोगों के लिए रोज़गार पैदा करते हैं और खुद के साथ कई का पेट भी पालते हैं। Thank you for watching this video until it is finished.
If useful to you guys, please like and share this video.